वेलकम टू एजुकेशन वर्ल्ड। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन वर्ल्ड में। आज मैं आपके लिए बीएससी मेन एग्ज़ाम स्कीम 2020 टेंटेटिव एग्ज़ाम स्कीम है और बीएससी की सेकंड ईयर वालों की एग्ज़ाम स्कीम बताने वाला हूँ। 25 फरवरी 2020 में आपके ट्यूसडे के दिन पेपर स्टार्ट हो रहे हैं और आपका पेपर 11 बजे से 2 बजे तक रहेगा। सबसे पहला पेपर आपका 25 फरवरी 2020 में रहेगा, जो आपका केमिस्ट्री फर्स्ट का रहेगा बीएससी सेकंड ईयर वालों का। इसके बाद आपका 26 फरवरी 2020 में रहेगा बीएससी सेकंड ईयर वालों का डिफेंस स्टडीज़ का पहला पेपर। इसके बाद आपका 28 फरवरी 2020 में फ्राइडे के दिन बीएससी सेकंड ईयर वालों का केमिस्ट्री का सेकंड पेपर रहेगा और बीएससी सेकंड ईयर वालों का ही डिफेंस स्टडीज़ का सेकंड पेपर भी रहेगा। 29 फरवरी 2020 में सैटरडे के दिन बीएससी सेकंड ईयर वालों का ज्योग्राफी का फर्स्ट पेपर रहेगा। इसके बाद आपका 2 मार्च 2020 में मंडे के दिन बीएससी सेकंड ईयर वालों का केमिस्ट्री का थर्ड पेपर रहेगा। इसके बाद है आपका 4 मार्च 2020 में वेंसडे के दिन बीएससी सेकंड ईयर वालों का जूलॉजी का फर्स्ट पेपर रहेगा और बीएससी सेकंड ईयर वालों का ही फिजिक्स का फर्स्ट पेपर रहेगा। इसके बाद आपका पेपर 6 मार्च 2020 में फ्राइडे के दिन रहेगा, जो बीएससी सेकंड ईयर वालों का जूलॉजी का सेकंड पेपर रहेगा, बीएससी सेकंड ईयर वालों का फिजिक्स का सेकंड पेपर रहेगा। इसके बाद आपका 11 मार्च 2020 में, यहाँ पर 2019 लिखा गया है, ये 2020 है, वेंसडे के दिन आपका बीएससी सेकंड ईयर का जूलॉजी का थर्ड पेपर रहेगा, बीएससी सेकंड ईयर वालों का फिजिक्स का वालों का थर्ड पेपर रहेगा। इसके बाद है आपका 13 मार्च 2020 में फ्राइडे के दिन बीएससी सेकंड ईयर वालों का बॉटनी का फर्स्ट पेपर रहेगा। इसके बाद आपका 14 मार्च 2020 में बीएससी सेकंड ईयर वालों का बॉटनी का सेकंड पेपर रहेगा और बीएससी सेकंड ईयर वालों का मैथमेटिक्स का सेकंड पेपर रहेगा। आपकी डेट चेंज नहीं होगी, बीएससी फर्स्ट ईयर वालों की डेट चेंज हो सकती है। अब आपका अगला पेपर है 16 मार्च 2020 में मंडे के दिन, जो बीएससी सेकंड ईयर वालों का स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन का पेपर रहेगा। इससे अगला आपका पेपर 17 मार्च 2020 में ट्यूसडे के दिन रहेगा, जो बीएससी सेकंड ईयर वालों का बॉटनी का थर्ड पेपर रहेगा और उसी दिन आपका बीएससी सेकंड ईयर वालों का मैथमेटिक्स का थर्ड पेपर भी रहेगा। इससे आगे आपका 30 मार्च 2020 में मंडे के दिन पेपर रहेगा, जो आपका बीएससी सेकंड ईयर वालों का बायोटेक्नोलॉजी का फर्स्ट पेपर रहेगा, बीएससी सेकंड ईयर वालों का ही एनवायरमेंटल साइंस का फर्स्ट पेपर रहेगा और बीएससी सेकंड ईयर वालों का ही कंप्यूटर एप्लीकेशन वालों का पहला पेपर रहेगा, बीएससी सेकंड ईयर इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री वालों का पहला पेपर रहेगा, बीएससी सेकंड ईयर माइक्रोबायोलॉजी वालों का फर्स्ट पेपर रहेगा, बीएससी सेकंड ईयर स्टैटिक्स वालों का फर्स्ट पेपर रहेगा। इसके बाद आपका 1 अप्रैल 2020 में वेंसडे के दिन बीएससी सेकंड ईयर वालों का बायोटेक्नोलॉजी का सेकंड पेपर रहेगा और बीएससी सेकंड ईयर वालों का एनवायरमेंटल साइंस का सेकंड पेपर रहेगा, बीएससी सेकंड ईयर वालों का ही कंप्यूटर एप्लीकेशन का सेकंड पेपर रहेगा और बीएससी सेकंड ईयर वालों का ही इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री का भी सेकंड पेपर रहेगा, बीएससी सेकंड ईयर वालों का ही माइक्रोबायोलॉजी का भी सेकंड पेपर रहेगा और बीएससी सेकंड ईयर वालों का ही स्टैटिक्स का सेकंड पेपर रहेगा। ठीक है, इसके बाद आपका है 3 अप्रैल 2020 में फ्राइडे के दिन आपका बीएससी सेकंड ईयर वालों का इकोनॉमिक्स का फर्स्ट पेपर रहेगा। 4 अप्रैल 2020 में सैटरडे के दिन बीएससी सेकंड ईयर वालों का बायोटेक्नोलॉजी का थर्ड पेपर, बीएससी सेकंड ईयर वालों का एनवायरमेंटल साइंस का थर्ड पेपर, बीएससी सेकंड ईयर वालों का ही कंप्यूटर एप्लीकेशन का थर्ड पेपर, बीएससी सेकंड ईयर वालों का इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री का थर्ड पेपर, बीएससी सेकंड ईयर वालों का माइक्रोबायोलॉजी का थर्ड पेपर और बीएससी सेकंड ईयर वालों का ही स्टैटिक्स का थर्ड पेपर रहेगा। 6 अप्रैल 2020 में मंडे के दिन बीएससी सेकंड ईयर वालों का इकोनॉमिक्स का सेकंड पेपर रहेगा।
इसके बाद आपका कोई पेपर नहीं है, आपके पेपर कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आप मेरे चैनल एजुकेशन वर्ल्ड को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़रूर लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।